तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं, और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? साथियों, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी।
यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान कंधे माथे पर रख के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। साथियों, भाजपा सरकार विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर के चल रही है। एक क्षेत्र तो वैसे ही अयोध्या के इतने करीब है, सरकार जो राम सर्किट विकसित कर रही है ये क्षेत्र उसका एक बड़ा तीर्थ है। महर्षि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर विकास के कार्य हुए हैं। 84 कोस परिक्रमा यही मखौड़ा धाम से शुरू होती है।